ये जो ईद की रात है इसकी भी बाद रिवायतों के अंदर फजीलत आई है कि ये चूंकि इनाम की रात है तो इसमें भी इबादत करना ये बड़ी फजीलत की बात है, तो इसको भी बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए बल्कि इसके अंदर जितनी तौफीक हो नफली नमाजों की वो नफली नमाजें भी पढ़ी जाएं। बाद रात तो कहते हैं कि भाई ये रात भी इसी तरह जागकर गुजारे जैसा कि शब कदर को जागकर गुजारा जाता है। और बाद उलमा इकराम ने फरमाया कि पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा वक्त जो है वो इबादत के अंदर भी जरूर लगा लें इस रात के अंदर, क्योंकि इनाम की रात है अल्लाह ताला की तरफ से, तो उस इनाम ले लो अल्लाह ताला से, नफले पढ़कर दुआएं करके इनाम ले लो।